मीन्स गुड मॉर्निंग। तो अभी यहाँ चूल्हे पे बन रही है रोटी, और ये जो कल नया चूल्हा लेके आए उस पर बन रही है रोटी अब, है ना। सब्जी टमाटो की ऑलरेडी मैंने बना ली है। कोई कोई लोग बहुत कम खाते हैं, लेकिन हम तो बहुत ज़्यादा खाते हैं टमाटो की सब्जी। ओम को तो कुछ पसंद नहीं है सब्जी, लेकिन ओम ने दूध का ग्लास जल्दी जल्दी पी लिया है ना। गुड। Now I'm just doing this kind of trick. Now I'm drinking dudu with this kind of trick. Let me tell you. That is, I just drink it in two sips. Yeah, super fast. Abom time nahi lagata, jaldi jaldi khatam karna. I just drink in two sips. Yeah, that's very good. And dekho, humne bhi tilak lagaya hai, mummy ne bhi lagaya hai na? Yeah. Oh, nice. जय श्री राम। अभी दिवाली आ रही है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमें कुछ श्योर नहीं है, लेकिन हम प्लान कर रहे हैं कि हमें डेफिनेटली रण उत्सव तो है ही कच्छ में, वहाँ पे जाएंगे। लेकिन हमें जो गांव की लाइफ होती है, विलेज, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो विलेजेस है कच्छ में, जो देखने लायक है, जो वहाँ की कला है, डिफरेंट टाइप्स के आर्ट्स है, वो हमें देखने। तो रण उत्सव तो जाएंगे, लेकिन शायद हम एक दिन ही रुकेंगे वहाँ पर। लेकिन कच्छ के अलग अलग जगह जो गांव है वो भी हमें देखने, जो ट्रेडिशनल, जो वहाँ का कल्चर है, जो वहाँ के लोग हैं, वहाँ का म्यूज़िक है, वो सब कुछ हमें बहुत अच्छा लगता है। सो जो भी हमारे व्यूअर्स है जो कच्छ में से है, तो प्लीज़ आप कमेंट ज़रूर करना कौन कौन सी अच्छी जगह है, कौन कौन से विलेज अच्छे है जहाँ से हम कुछ अच्छा देख सकते हैं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी दिखा सकते हैं। तो प्लीज़ जो भी हमारे व्यूअर्स कच्छ में से है, वो कमेंट ज़रूर करना कौन कौन सी जगह, कौन कौन से गांव जहाँ पे हमें ट्रेडिशनल जो पुरानी चीज़ें हैं वो मिल सकती है देखने को। तो प्लीज़, ये एक रिक्वेस्ट थी। एंड अभी रोटी ऑलमोस्ट बन चुकी है, दो तीन ही बाकी है। तो अभी मम्मी आज गए हैं मामा के घर, क्योंकि अभी मामा के बेटे की शादी है दिसंबर में। सो अभी इसकी थोड़ी तैयारी है, और मम्मी को वैसे भी जाना था आज। तो अभी रामदेव छोड़ के आया है वहाँ पे। एंड अभी ओम खाने वाला है गरम गरम रोटी मक्खन के साथ, है ना। बट आई लाइक रोटी। या यू लाइक रोटी एज वेल, बट यू कैन ईट रोटी एज वेल समटाइम्स। हाँ, लेकिन ओम को मक्खन के साथ रोटला ज़्यादा पसंद है ना। और पहले जब ऐसे गरम गरम रोटी बनती थी चूल्हे पे, तो जो गरम गरम इसमें मक्खन लगा के, ऊपर शुगर लगा के, जो कोई लोग पपूड़ा बोलते थे, पकौड़ा जो रोल बना देते थे, शुगर रोटी रोल इन शॉर्ट, वो बहुत ही टेस्टी बनता था। आजकल के बच्चे इतने खाते नहीं है वो, पहले तो दो रोटी गरम गरम वैसे ही खा जाते थे। चांदनी को खानी है गरम गरम रोटी। चांदनी जल्दी करो, वो प्लेट लेके आओ और ले डाली ले ले जल्दी के। मक्खन वाली खानी है ना। हाँ, ले लो। रोटी डन। ये है टेस्टी टमेटो की सब्जी, जिसमें अभी हमारा जो गार्लिक है, जो उसके पत्ते होते हैं ग्रीन, वो डालते हैं, बहुत ही अच्छी स्मेल आती है। और धनिया जो फ्रेश है, अभी अभी निकल रहे, छोटे छोटे हैं, लेकिन थोड़ा सा भी डाले तो जो घर का होता है उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो अभी यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे धनिया कोई अंडर दिख रहे हैं, लेकिन इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा आती है। आप थोड़ा सा भी डाल दो सब्जी में तो बहुत अच्छी स्मेल आती है इसकी। तो खाना हमने खा लिया, और मुझे जाना है गेहूँ हमें इस बार लगाने पूरे खेत में, जो बंसी के है, मतलब बंसी नाम है उस गेहूँ का। तो मुझे जाना होगा उसका बीज लेने के लिए ब्यारा, क्योंकि पूरे खेत में वही लगाने। और छावा चलाने का बहुत ही मज़ा आ रहा है, क्योंकि मैंने नए साइलेंसर इसमें डलवाए हैं। मैं कर दूँ कि नहीं? नहीं, मैं कर लूँगा। हाँ, ये इसकी आवाज़ अच्छी आती है ना, ये साइलेंसर के साथ। हाँ। और मुझे ना आज एक सपना आया था कि अगर आप तुम्हारा आया था कि अगर तुम अपने पार्टनर को झावा चलाने दोगे, तो फिर अभी दिवाली आ रही है तो कुछ गुड लक हो सकते हैं तुम्हारे लिए, पता है वो मैसेजेस आते हैं।
10 लोगों को फॉरवर्ड करो तो ये होगा, अगर नहीं करेगा ये तो मत करना भाई, ये फॉरवर्ड मत करना। हाँ, वे तो कभी करती कभी मत करना। ऐसे आते हैं कोई कोई तो कि अभी तो थोड़े कम हो गए, पहले बहुत आते। अगर आपने फॉरवर्ड नहीं किया तो आपको रात में ये होगा, आपके साथ बुरा होगा, आपका ये हो जाएगा, ऐसे होता है कभी कभी तो वो ना धर्म संकट में डाल देते हैं कि अब क्या करें। लेकिन मेरा सपना बात कर रही है, इसका मतलब क्या हो सकता है? मुझे सही में सपना आया था कि तुम चलाने देते हो मुझे कि जाओ जहाँ पे जाना है, स्कूटी को छोड़ दो, वो पुरानी हो गई है, जावा लेके जाओ। अगर ठीक है, अगर टूट जाएगा, कुछ हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चलानी है ना, ऐसे जाओ। धूप हो गई थोड़ी सी, जाओ एक ट्राई कर। तो फिर छोड़ नहीं, नहीं मैं ट्राई कर सकती हूँ, अगर आराम से ठंड हो तब जाना। नहीं मैं ट्राई कर सकती हूँ। अच्छा जाओ, लेके जाओ। नहीं देना है तो ठीक है, नहीं चाहिए। अच्छा नहीं चाहिए ना, छोड़ देते हैं। चलो दे दो ना एक चक्कर लगाने, सिर्फ बता दे। तू इसको गिराना मत, क्योंकि जब गिरता है तो फिर वो हो जाते हैं इसमें। क्या हो जाता है? टूट जाता है। नहीं गिराऊंगी, अगर गिरूंगी तो मुझे भी लगेगा ना। तुम्हें लगेगा वो बात नहीं है, लेकिन जावा खराब हो जाएगी। हाँ कैसा जमाना आ गया देख, लोगों से ज्यादा। अब तुम एक काम करो, मैं ऑन कर देता हूँ। पार्टी को बहुत शौक है वैसे ये बाइक चलाना, बुलेट, जावा, हॉर्स राइडिंग, लेकिन मैं इसको ज़्यादा अलाउ नहीं करता ताकि उसका शौक ऐसे ही बना रहे, क्योंकि फिर अगर ग्रांटेड ले लेते हैं तो फिर इतना मज़ा नहीं आता। कभी कभी चलाती है इसलिए उसको ज़्यादा मज़ा आता है। वो जा रही है, भगवान करे गिरे ना, क्योंकि ये जब ब्रेक करती है तो शायद कभी भूल जाती है, क्योंकि बहुत कम राइड करती है ना इसलिए। वो आ रही है अभी, लेकिन बहुत धीरे चला रही है क्योंकि ये डर रही है। अब इसका कॉन्फिडेंस थोड़ा आएगा जब रोज़ या तो 3-4 दिन में एक बार चक्कर लगाएगी।
अभी रिटर्न आया हूँ और आके नाश्ता करना था और लेकिन ये रेडी है अभी। नाश्ता भी करूँगा कुछ और। ये लाए हम लोग ऑर्गेनिक बीज था यहाँ पे पास में कुतियाना के पास एक गांव है वहाँ से अरविंद भाई के पास से। और ये डायबिटिक लोगों के लिए भी अच्छी है, स्वीट है लेकिन ये एक बार इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, एनर्जी भी बहुत ज़्यादा लगती है। होम यू वॉन्ट टू ट्राई धीरे धीरे यहाँ से गिरोगे तो। हाँ सो फॉर नाउ अभी ये सारे गेहूँ हमने यहाँ पे रख दिए अंदर, अभी जब हमारा खेत रेडी होगा तो फिर लगाने वाले हैं। इसमें से शायद लखू भाई के लिए भी है। तो अभी मैंने एडिटिंग कर लिया है, होम का होमवर्क आया है अभी किया नहीं है, बहुत ज़्यादा आ गया है वेकेशन के लिए, लेकिन धीरे धीरे कर लेगा। तो मीरा यहाँ पे है, पहले मैं तोरी को चेंज करती हूँ बाहर, फिर शिवानी को, क्योंकि अभी इस टाइम पे इसको जल्दी जल्दी जाना होता है बाहर पानी पीना। तो चलो तो बाद में नंदिनी को भी इस साइड में चेंज कर दूँगी। रामदेव भी आ रहा है, रास्ते में है, जो गेहूं लेने गए थे। मीरा बेबी अभी यहाँ पे है। ओए मीरा इधर देखो, मीरा मीरा मीरा, ये पानी की टंकी में डालने हैं क्या या पत्थर ऐसे कर दिए? हाँ अभी तो इतनी भोली बन के वहाँ पे देख रही है, ये क्या है? इतनी एक मिनट भी लेट हो जाए शिवानी को चेंज करने में, तोरी को पहले करे, तुमको भी चेंज ही करी। रुको रुको रुको, पैर निकालो। तो शिवानी एंड तोरी 4 बजे से हम इसको बाहर चेंज कर सकते हैं ताकि वो थोड़ा सा घूम सके और यहाँ पे फ्री हो सके। और राउंड एंड राउंड अभी इसकी मस्ती दोनों की स्टार्ट होगी। रामदेव इवनिंग को शायद एक को लेके जाएगा, शायद आज शिवानी को लेके जाएगा क्योंकि कल तोरी का टर्न था। और यहाँ पे है लकी, इतना बड़ा हो गया ना, इसको नींद ही करनी होती है दिन को, है ना? फिर रात को 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर दूर भी एक कुत्ता भौंकता है तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना? ये अभी हेल्दी हो गया बहुत, इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है लक्की को, क्योंकि लक्की इतनी फाइट करने नहीं गया था। टाइगर को अभी थोड़ा सा पैर में है। हाँ तुम भी हो तो उसके लिए अभी दवाई है, इंजेक्शन दे दिया है, ठीक हो जाएगा थोड़े दिन में। ठीक है बैठ जाओ सो जाओ। ओके मीरा है, देखो यहाँ से मीरा देख रही है मुझे, यहाँ से टीलू इस साइड से, यहाँ पे राधा एंड यहाँ पे नंदिनी। जब 2-3 घंटे के बाद कोई भी इस साइड आता है ना तो सबका ध्यान वहाँ पे ही होता है, या अभी कि अभी कुछ खाना मिलेगा या अभी पानी पिलाएंगे या कुछ होगा, है ना? तुमको बाहर आना है, चलो आ जाओ। चलो अंदरी आ जाओ, बाहर आ जाओ, वहाँ लेके जा रही हूँ, चलो आ जाओ, चलो चलो गुड गर्ल, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। पानी पीना है? पानी पी लो, चलो पानी। मीरा के पास मैं नहीं लेके जा रही हूँ, चलो। पी लो पानी पीना है तो। देखो अभी मीरा यहाँ पे ही है,
पीना है, चलो यहाँ से जल्दी जल्दी आएगी क्योंकि इसको पता है अपनी बड़ी आई के पास जाना है ना। हाँ मिल लो इससे तुम। तो अभी के लिए नंदनी आ गई है यहाँ पे, अभी रात को यहाँ पे ही रहेगी, फिर सुबह अंदर चेंज कर देंगे वापस। और यहाँ पे आ गई है राधा अंदर मस्ती करने के लिए। जाओ करो मस्ती, जाओ। यहाँ से नहीं निकल पाओगे, जाओ मस्ती करो। अभी सनसेट का टाइम है, अभी रामदेव घोड़ियों को खाना दे रहा है शिवानी तोरी को। मुझे भी अभी मिल्किंग के लिए जाना है। एंड यहाँ पे ओम खेल रहा है और साथ में चांदनी भी है। हाय ओम, आर यू प्लेइंग देयर? ओके, चांदनी के साथ खेल रहे हो? ओके गुड गुड। सो इसी के साथ ये वीडियो करते हैं यहाँ पे ख़त्म। जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू। ओम से बाय, बाय। चांदनी से बाय, बाय। लाउडर बाय, बाय, बाय। और अभी शिवानी को मिलने वाला है खाना, इसलिए थोड़ी सी जल्दी में जाना पड़ रहा है शिवानी को। रेडी हो मैच देखने के लिए? यस, लेकिन अभी बहुत देर है ना। हाँ, कौन जीतेगा? नहीं बजे। चलो बताओ कौन जीतेगा, मुंबई या मुंबई? मैं सपोर्ट करता हूँ दिल्ली को पर्सनली। मुंबई भी अच्छी है लेकिन मुझे लगेगा अच्छा अगर दिल्ली जीतेगी। मुझे लगता है कोई तीसरी टीम जीतेगी तो मुझे और अच्छा लगेगा। दो ये दो में से तीसरी टीम है ही नहीं भरती, लेकिन ये जैसे ही IPL खत्म होता है आप लोग रोज के रोज एक काम करना ही करना है आपको, एटलीस्ट हमारे 3-4 वीडियोस देखने रोज। रोज, सही। रोज।